पाकिस्तान अक्सर अजीबोगरीब फैसले लेता रहता है। अपने फैसलों के कारण ही उसकी आज जो हालत है वो दुनिया देख रही है। अपने नए फरमान में पाकिस्तान ने अपने यहाँ की यूनिवर्सिटीज में होली खेलने पर पाबंदी लगा दी है। पाकिस्तान की हायर एजुकेशन कमीशन ने ये फैसला लिया है। कमीशन का कहना है कि हाल ही में एक संघीय राजधानी विश्वविद्यालय में होली समारोह ओवरबोर्ड हो गया और देश की धार्मिक पहचान के लिए चुनौती बन गया। इस्लामाबाद में हायर एजुकेशन कमीशन में कार्यकारी निदेशक डॉक्टर शाइस्ता सोहेल ने कहा कि ये देखा गया था कि कायद-ए-आज़म विश्वविद्यालय इस्लामाबाद में होली समारोह की हालिया घटना ने चुनौती दी थी। एक इस्लामिक राज्य के रूप में देश की पहचान और इसके सामाजिक मूल्य व्यापक रूप से प्रचारित और रिपोर्ट किए जाने के कारण विवादास्पद हो रहे हैं। ये देश की छवि पर एक नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है। कमीशन के इस फैसले का काफी विरोध हो रहा है, वहीं कुछ लोग इसे सही बता रहे हैं। बता दें, 12 जून को कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में होली के महोत्सव के बाद से सारा बवाल शुरू हुआ। इस कार्यक्रम का आयोजन मेहरान स्टूडेंट काउंसिल की तरफ से किया गया था। ये यूनिवर्सिटी का गैर राजनीतिक सांस्कृतिक संगठन है। इस आयोजन के बाद से ही सारा बवाल शुरू हुआ था।